And good evening to all. Myself Poonam JS, Assistant Professor of Pharmacology. Welcome back to our channel Pharm Dolls. आज की लेक्चर में आप करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स पार्ट टू। इससे पहले लेक्चर में हमने जनरल एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशंस करी थी, क्या होती है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस क्या होती है, जनरल एनेस्थेटिक्स क्यों दिए जाते हैं, इनकी क्या क्या एडवांटेज रहती है ना, डेप्थ क्या रहती है, कौन सी स्टेजेस है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज से ही लेक्चर में हम करेंगे जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में, कौन सी ड्रग्स है कि जो अंडर जनरल एनेस्थेटिक्स आएंगी, इनकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा इजी मेथड से। ठीक है, आपको इजी करना है ताकि पेपर में बस आपने इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ना नहीं है। जो जो मैंने करवाया है फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर इनफ है, नोट्स इनके में जब आपकी कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स जो ड्रग्स होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनहेलेशनल एंड इंट्रावीनस। इनहेलेशनल ऐसी ड्रग्स है जो कि आप इनहेल कर सकते हैं, इंट्रावीनस वाले में वो ड्रग्स है जो कि आईवी इंजेक्शन के थ्रू पेंट्रेट की जाएगी। अब देखो इनहेलेशनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इनहेल करना है। सबसे पहले इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनहेलेशनल को, फर्दर जूम करेंगे अपन, गैस एंड वोलेटाइल लिक्विड। फर्दर जो इनहेलेशनल ड्रग्स है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, गैस एंड वोलेटाइल लिक्विड। एंड गैस में एक ही ड्रग है नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल लिक्विड में बहुत सारी आपकी ड्रग्स है, सच इथर है, हैलोथेन है, आइसोफ्लुरेन, डेक्सफ्लुरेन, सीमोफ्लुरेन। जूम करें यहाँ पर इनको, इथर, हैलोथेन, आइसोफ्लुरेन, डेक्सफ्लुरेन एंड सीमोफ्लुरेन। उसके बाद आपके पास आती है इंट्रावीनस कैटेगरी, इंट्रावीनस मतलब जो आईवी इंजेक्शन के थ्रू आप एनेस्थेटिक्स दे सकते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फास्ट एक्टिंग एंड अनदर वन इज स्लो एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग वो वाली है जो इजिली, इसका जो इंडक्शन एंड रिकवरी फास्ट है, जैसे ही आपने एडमिनिस्टर किया वैसे ही उसने ब्रेन में पेनिट्रेट किया, वैसे ही आपकी न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हुई। ठीक है, अब इसमें है थायोपेंटोन सोडियम, जूम कर सकते हैं, प्रोपोफोल, इटोमिडेट, एक और ड्रग आती है इसमें इटोमिडेट प्रोपोफोल एंड मीथोहेक्सीटोन सोडियम। ठीक है, उसके बाद है स्लो एक्टिंग ड्रग, स्लो एक्टिंग मतलब जिनका जो इंडक्शन है वो स्लो है, जैसे बेंजोडाइजेपिन्स जो कैटेगरी है इसमें है डाइजेपाम, लोराजेपाम, दो ड्रग है डाइजेपाम एंड लोराजेपाम। ओपोइड एनाल्जेसिक, इसके अंदर कौन सी है, फेंटानाइल, सबसे ज्यादा जो यूज होती है ओपोइड एनाल्जेसिक में फेंटानाइल एंड रेमी फेंटानाइल। नेक्स्ट है डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, इसके अंदर ड्रग है एक ही है केटामिन। आप लोगों ने क्लासिफिकेशन को याद करना है ड्रग्स की, हर कैटेगरी की दो दो ड्रग आपको याद होनी चाहिए कि वोल्टाइल लिक्विड की दो ड्रग, फास्ट एक्टिंग की दो ड्रग, स्लो एक्टिंग में बेंजोडाइजेपिन की दो ड्रग, ऑपोइड्स में एक ही है, ऐसे ही डिसोसिएट एनेस्थेसिया के अंदर एक ड्रग है केटामिन। तो आपने ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले याद करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अलग से एक पेज पे क्लासिफिकेशन लिखनी है। अब जैसे बी फॉर्म 4 सेम का है अपना ये, तो क्या है आपके पेपर 21 सितंबर के अराउंड, बी डी शर्मा यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी कॉलेज है उनके पेपर 21 सितंबर के अराउंड हो जाने हैं, तो आप लोगों को सिलेबस जल्दी कवर करना है, क्योंकि अभी जैसे आपकी लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा सिलेबस छूटा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं एक लेक्चर बनाऊंगी जो सिर्फ बच्चे पास होना है जिन्होंने, ठीक है, ऐसे भी बच्चे हैं जो कि सारा सिलेबस नहीं कवर कर सकते या फिर जिनको कॉलेज अभी तक इतना क्लियर नहीं है, उन बच्चों के लिए मैं सिर्फ एक ऐसा लेक्चर बनाऊंगी जिसको पास होने के लिए वो पढ़ना है और उसको पढ़ के वो पास हो सकते हैं। ठीक है, वो जल्दी ही लेके आएंगे अपा। अभी आपने एक क्लासिफिकेशन करनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स की कैसे काम करती है। अगर देखो नॉर्मली अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं नो एनेस्थेटिक्स, जिस टाइम पे कोई एनेस्थेटिक्स ड्रग्स नहीं दी हुई, ये जो डायग्राम है देखो ये हमारा कौन सा है, गाबा रिसेप्टर का डायग्राम है। ठीक है, गाबा बी रिसेप्टर है, तो क्या होगा जिस टाइम पे कोई भी एनेस्थेटिक्स नहीं है, बाइंडिंग ऑफ गाबा, गाबा जो है अपना सीएनएस का न्यूरोट्रांसमीटर है, जब ये बाइंड करेगा कॉजेज द क्लोराइड आयन चैनल टू ओपन, क्या करेगा क्लोराइड चैनल की
ओपनिंग करेगा, जिससे क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ अ सेल, मेम्ब्रेन क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी, हाइपर पोलराइज होगी। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, क्योंकि गाबा अपना क्या एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे ही गाबा अपने गाबा रिसेप्टर से बाइंड करता है, क्लोराइड को ओपन करके मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज करता है एंड न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करता है। अब आप देखते हैं कि एनेस्थेटिक के केस में कैसे काम करे। देखो अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक, जूम करना पड़ेगा, इन प्रेजेंस ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक हमें मतलब जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसे चेंज होगा। अब देखो सबसे पहले बाइंडिंग ऑफ गाबा, गाबा कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी, इज इनहांस्ड बाय इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। अगर इनहेल्ड एनेस्थेटिक या एनेस्थेटिक की अब्सेंस में नॉर्मली जो गाबा बाइंड करता था वो क्लोराइड को ओपन करके मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज कर रहा था, अब जैसे ही हम इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स देंगे ये क्या करेंगी, गाबा की जो बाइंडिंग है वो इनहांस कर देगी टू द गाबा रिसेप्टर। मीन्स जो गाबा रिसेप्टर है इसकी सेंसिटिविटी गाबा के लिए इंक्रीज हो जाएगी कि ये ज्यादा गाबा से बाइंड करेगा। जितना गाबा की बाइंडिंग होगी उतना ही क्लोराइड आयन चैनल इसके अंदर क्या, जो क्लोराइड आयन है वो इसके अंदर है इन्फ्लक्स करेगा, उतना ही क्लोराइड आयन की एंट्री होगी। इसकी क्लोराइड की एंट्री से क्या होगा, देखो जूम करके, एंट्री ऑफ क्लोराइड हाइपर पोलराइज सेल मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू डीपोलराइज। इसने क्या लिखा कि क्लोराइड की जो एंट्री है ये क्या कर देगी मेम्ब्रेन को, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज करेगी। हाइपर पोलराइज मतलब रिलैक्स कर देगी, है ना, रिलैक्स का मतलब वही चीज हमने पहले पढ़ा था कि रिलैक्सेशन होगा इसका, कि न्यूरोनल जो एक्साइटेबिलिटी थी, जो फर्दर इम्पल्स की कंडक्शन है वो रुक जाएगी। और डिफिकल्ट टू डीपोलराइज मतलब इम्पल्स की जो जनरेशन थी, डीपोलराइजेशन मीन्स ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स वो भी बंद हो जाएगी और आपका कोई नरम इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगी ना फर्दर कंडक्ट होगी, जिसकी वजह से फर्दर जो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी है वो रिड्यूस होगी। अगर न्यूरोन में फर्दर इम्पल्स कंडक्ट ही नहीं हुई मतलब वहां पे सिग्नल नहीं आएगा तो आपको पेन फीलर नहीं होगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब अपन नॉर्मल जो जनरल एनेस्थेटिक्स है इंट्रावीनस वगैरह वो कैसे काम करते हैं वो और देखते हैं। हाँ जी, देखो अब जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करेंगे, इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ अल्फा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ये किसका नाम है, गाबा का ही है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। तो गाबा का जो ये है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड रिसेप्टर, इसकी जो सेंसिटिविटी है रिसेप्टर के लिए वो इंक्रीज होगी, जिससे ये ज्यादा बाइंड होगा और क्लोराइड की जो ओपनिंग है वो ज्यादा होगी। कॉज प्रोलोंगेशन ऑफ इनहिबिटरी क्लोराइड आयन करंट मतलब क्लोराइड ज्यादा एंट्री करेगा आफ्टर अ पल्स ऑफ गाबा रिलीज, जैसे ही गाबा बाइंड करेगा इस रिसेप्टर से क्लोराइड आयन की जो ओपनिंग है वो ज्यादा होगी, एंट्री ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज। जो साइनेप्टिक न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोन की जो एक्साइटेबिलिटी है वो डिक्रीज। एंड इनहेलेशन और एनेस्थेटिक्स ब्लॉक एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक करंट ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स। जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स है ये निकोटिनिक रिसेप्टर की जो पोस्ट साइनेप्टिक एक्साइटेबिलिटी है उसको ब्लॉक करते हैं, रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हाँ जी, अब अपन डिस्कस करते हैं थेरापेटिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इन ड्रग्स की। तो मैं ये फोटो डाली है मैंने, इन फोटो में से आप ये देखना, मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो थेरापेटिक एडवांटेज, जैसे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के केस में आप देखते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये गैसेस के अंदर आता है, गुड एनाल्जेसिया का इफेक्ट है, रैपिड इसका इंडक्शन क्या है, इंडक्शन एंड रिकवरी फास्ट है, कि जैसे ही आपने एडमिनिस्टर किया वैसे ये ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाता है, इसकी जो ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम है इसलिए ये सेकेंड गैस इफेक्ट के थ्रू ब्रेन में अपना पेनिट्रेट करता है, तो इसकी जो ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड रिकवरी वो रैपिड है, सेफ है, नॉन इरिटेटिंग है। उसके बाद अब हैलोथेन के बारे में बात करते हैं। देखो पेडियाट्रिक पेशेंट के अंदर आप हैलोथेन दे सकते हैं, बच्चों के केस में ब्रोंकियल स्मूथ मसल को ये रिलैक्स करता है, तो अस्थमा के पेशेंट में आप हैलोथेन ड्रग का यूज कर सकते हैं।
उसके बाद आइसोफ्लेरेन देखो, गुड मसल रिलैक्सेशन, इसकी जो मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी है वो अच्छी है, तो ये कार्डिक आउटपुट के लिए, कार्डिक के अंदर भी स्टेबल है ये, ठीक है। उसके बाद ये नॉन सेंसिटाइजेशन ऑफ हार्ट टू एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन के उसमें ये हमारे रिसेप्टर्स को, हार्ट के रिसेप्टर को सेंसिटाइज नहीं करता। उसके बाद आईवी के देखते हैं, आईवी में देखो थायोपेंटोल, थायोपेंटोल क्या है, इसका जो रैपिड एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट है, पोटेंट एनेस्थेसिया, मतलब कम डोज पे ही ये इफेक्टिव रिजल्ट देता है। सीवोफ्लुरेन का क्या है, नॉन इरिटेटिंग है ये, चिल्ड्रन के केस में यूजफुल है। किटामाइन देखो, किटामाइन कैसा है अपना, गुड एनाल्जेसिया है, इसका भी पोटेंट है और अच्छा इफेक्ट है इसका, गुड एनाल्जेसिया है। प्रोपोफोल कैसा है, रैपिड ऑनसेट है इसका। उसके बाद इनकी कुछ डिसएडवांटेज भी देखते हैं। देखो सबसे पहले डेसफ्लुरेन, ये क्या है, स्पेशल वेपराइजर, क्योंकि इनहेलेशनल का कैटेगरी का है तो इसको वेपराइजर के थ्रू देना पड़ता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, नो मसल रिलैक्सेशन, कोई मसल्स की ये रिलैक्सेशन नहीं करता, इसको अदर एनेस्थेटिक्स के साथ में देना पड़ता है सर्जिकल एनेस्थेसिया के लिए। ऐसे ही हेलोथेन है, ये क्या करता है, जो हेपेटिक लीवर का है और रेनल किडनी का है, ब्लड फ्लो रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, मायोकार्डियम को कैटाकोलामाइंस के एक्शंस के सैनिटाइज करता है, सेंसिटाइज करता है, ठीक है। लीवर टॉक्सिसिटी कोज करता है, अरिथमिया मतलब आपकी जो रिदम है नॉर्मल हार्ट बीट है उसको डिसरप्ट करता है। थायोपेंटोल देखो पुअर एनाल्जेसिया है, पोटेंट एनेस्थेसिया है, और इसके अंदर क्या है, लैरिंगोस्पाज्म, सबसे मेन जो साइड इफेक्ट है थायोपेंटोल का लैरिंगोस्पाज्म, तो अस्थमा के पेशेंट में इसको अपन यूज नहीं करते। प्रोपोफोल का क्या है, पुअर एनाल्जेसिया है, ठीक है। तो इनकी डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज थी। आपको होप्सो लेक्चर पसंद आया हो, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट में मैसेज करें मेरे को, या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है कुकुजेस के नाम से, आप वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में डालूंगी। और अगर आप लोगों ने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी, पहला पार्ट नहीं देखा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले आप वो वाला पार्ट देखें, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ आएगा। और ये बहुत, दो ही लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट आपको एनेस्थेटिक कराया है, जनरल एनेस्थेटिक बहुत इजी था, जितना यूजफुल था उतना ही करवाया, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं करवाया आपको, ठीक है। आपने इतना ही पढ़ना है। लेक्चर अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।